हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं सभी को पंकज की तरफ से, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग दोराट जा रहे हैं, मैं, अंकित, राहुल और हमारी ब्लॉग प्रमुख रेखा रावत जी, हमारी चाची। आज सावन का पहला सोमवार, आप सभी को पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबने फास्ट लिया घर पर हमने नहीं लिया, बिकॉज हमें ट्रैवल करना है इसलिए। और हम दोराट इसलिए जा रहे हैं बिकॉज कल राहुल का, सॉरी अंकित का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम। सो चलते हैं, आपको दिखाते हैं दोराट कैसा है। तो दगड़ियों, अब हम पहुंच चुके हैं कुमाऊं की माने जाने वाली हिल स्टेशन रानीखेत में, जो कि काफ़ी फेमस जगह है और आप सभी को पता होगा यहां के बारे में। अगर नहीं पता है तो आप एक बार गूगल में ज़रूर सर्च करें और यहां की लोकेशन देखिए, यहां का व्यू देखिए, यहां का नज़ारा देखिए, यहां का सौंदर्य देखिए, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। और जो कि गर्मियों में भी यहाँ के लोग ना यहाँ एसी चलाते हैं ना पंखा चलाते हैं। यहाँ का जो मतलब एसी कूलर, एसी या पंखा है, वो नेचुरली हवा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ। और अब ये है, अब हम जा रहे हैं सीधा रानीखेत को। ये देखिए, अब बीच मार्केट है, काफ़ी सुंदरता आपको दिख ही रही होगी यहाँ की, और नज़ारा भी बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम हो रखा है। और देखो दिन के अभी 12-1-2 बजे हैं और फिर भी देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है यहाँ का, आप देख ही सकते हैं व्यू में। देखो स्कूल के बच्चे जो जा रहे हैं, ये स्वेटर पहन के जा रहे हैं, जो कि अभी गर्मी का सीज़न है, आप खुद देख सकते हैं। और तब भी स्कूल के बच्चे, और थोड़ा देर में ही हमारे चाचा के चाचा चाची उनके घर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ज़रा रेस्ट ले लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया, थोड़ा बीच में तो रेस्ट होना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने चाचा चाची की ओर। तो ये यहाँ से ऊपर को हमने कट लिया नर्सिंग ग्राउंड से ऊपर को, और अब हम चलेंगे आर्मी कैंटीन की ओर। तो आगे जाके आप देखेंगे यहाँ आर्मी के जो मतलब जवान रहते हैं उनको फिर ये जगह मिलते रहने के लिए। ये देखिए, आप आर्मी ट्रक चले गए हैं। तो ये सारा जो दिख रहा है आपको कैंपस, ये सारा आर्मी कैंपस है। यहाँ सारे जवान जो अभी सिपाही लोग रहते हैं, वो मतलब यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और यहाँ से नीचे को हम चले गए हमने चाचा चाची के घर, और यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और चाय पानी जो भी होगा फिर वो पी के आराम से, तब थोड़ा रेस्ट करके फिर हम दोराट की ओर निकल जाएंगे। ये देखिए हमारा मैक्सू, अभी हम लोग रानीखेत पहुँचे हैं। मैक्सू, ये हमारा मैक्सू है। हाँ, इससे मैं ऑलमोस्ट 7 साल के बाद मिल जाऊँ। अब हम निकल चुके हैं रानीखेत से दोराट की ओर, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं खूबसूरत व्यू, वो और कुछ नहीं इंडियन आर्मी की वन ऑफ द फेमस एंड नोन रेजिमेंट है, द कुमाऊं रेजिमेंट। इसी रेजिमेंट में मेरे पापा ने जॉब की थी, इसी मेरे दूसरे चाचा ने जॉब की थी, वो भी रिटायर हो चुके हैं, पर मेरे तीसरे चाचा जो ऑन ड्यूटी अभी भी कुमाऊं रेजिमेंट के लिए में हैं। और जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में हर यूथ का सबसे पहला एम होता है या गोल होता है कि वो आर्मी में जाए, देश के लिए कुछ करे। तो यहीं से हमारे सूरवीर निकलते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। सो ये देखिए, ये यहाँ का कुमाऊं रेजिमेंट का मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ज़रा अलाउ नहीं है, पर कार में थे तो किसी ने रोका नहीं हमें वीडियो लेने से। दगड़ियों, यह देखिए पहाड़ी महिलाएं जो कि अपने सिर में घास ले जा रही है। ये जो घास है, सामने आपको जो पेड़ दिख रहे हैं चीड़ के, इनकी पत्तियों को इकट्ठा करके ले जाता है। ये सब अपने घर को ले जा रहे हैं, और ये इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि जब ये अभी जो सीज़न है ये अदरक और हल्दी का है, तो उनकी खेती के लिए सबसे बेस्ट होता है। इससे क्या होता है, उनको अच्छी गर्माहट मिल जाती है, जिससे कि उनकी जो फसल होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है।
हम लोग पहुंच चुके हैं दोरहाट और यह है आज का स्टे हमारा। वो सामने देखे चाची हाय बोल रही है, ये स्टे है, द्वारिका होटल है इसमें होम स्टे का। बहुत प्यारा सा नज़ारा है, आपको नज़ारा दिखाता हूँ होटल के सामने कितना प्यारा है। ये देखिए कितनी प्यारी वैली है। तो दगड़ियों हम होटल से चेकिंग करके आ चुके हैं, अब हम आ गए दोरहाट के मेन चौराहे में। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ताई लोगों ने और भाई लोगों ने कहा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमने कहा चाय भी पी लेते हैं। हम चाय पी के अब होटल में जाएंगे यहाँ से दोबारा। सो डिनर सब कुछ हो चुका है, अब होटल में नहीं मिला डिनर तो बाहर गए थे, वहाँ से लेके आए राजमा चावल और रोटी और मिक्स वेज। आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं, कल अंकित का एग्ज़ाम है तो अभी उसको पढ़ना है और मैं एडिटिंग कर देता हूँ थोड़ा। तब तक आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो। जय हिंद।